गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इनन्सियोमर्स पढ़ रहे थे, ठीक है बेटा। इनन्सियोमर्स क्या होते हैं मैं तुमको बता दिया था बेटा, कि जो मिरर इमेजेस अगर नॉन सुपरइम्पोजिबल हो, ठीक है, और उसमें कायरल सेंटर हो, ऑप्ट कायरलिटी हो, ठीक है, ये सब चीज़ें अगर हों तो वो चीज़ें क्या होंगी, एक दूसरे दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं बेटा उनको क्या बोलोगे, इनन्सियोमर्स बोलोगे। बात समझ में आ गई। इनन्सियोमर ये भी बताया था मैंने बेटा कि दो कंपाउंड या दो से अधिक कंपाउंड में आप निकाल सकते हो, बट कार्बन सेम कार्ब जो कार्बन बेटा वो सेम ग्रुप रखने होने चाहिए। अगर एक कार्बन के पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन या एसिड है तो दूसरे वाला जो होगा, दूसरा कंपाउंड होगा, उसके पास भी यही होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं बेटा सेम कार्बन, ठीक है। बात समझ रहे हो बेटा, सेम कार्बन मतलब समझ रहे हो कि सेम कार्बन मतलब ये कि कार्बन पे जो कंपाउंड एक एक कार्बन पे जो ग्रुप्स हैं वो दूसरे वाले के पास वही ग्रुप है, तो उनको सेम कार्बन बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको वर्ड याद रखना है। आज हम पढ़ेंगे डाई स्टीरियोमर्स क्या होते हैं। जैसे आपने इनन्सियोमर पढ़ा था बेटा कि नॉन सुपरइम्पोज्ड मिरर इमेजेस आर कॉल्ड क्या, इनन्सियोमर्स। और इसके फीचर्स क्या क्या थे कि अगर इनन्सियोमेरिक कोई पेयर है बेटा, ठीक है ना, तो उनको वो इंडिविजुअल मतलब अलग अलग वो क्या होने चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, और उनको किसी भी, ठीक है, इनन्सियोमर इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, आइडेंटिकल होती हैं, सेम होती हैं। बात समझ रहे हो, इनन्सियोमर्स की बोलो, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है, ऑप्टिकल रोटेशन में अगर कोई क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा जो इनन्सियोमर होगा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। मतलब अगर किसी का डी है तो दूसरे का क्या होगा, एल होगा। अगर किसी एक का एस है तो दूसरे का आर होगा, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं, अगर ऑप्टिकल रोटेशन बस क्या होगा बट अपोजिट होता है। ये बात आपको याद रखना, किसके केस में, इनन्सियोमर के केस में। बात समझ रहे हो, इनन्सियोमर में बताया कि इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होने चाहिए, तभी उनको क्या बोला जाएगा, इनन्सियोमर बोला जाएगा। और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट क्या होती है बेटा, आइडेंटिकल होती हैं, ठीक है। बात समझ लो, एक्सेप्ट किसको, ऑप्टिकल रोटेशन को। जैसे मैं तुमको लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल लेके मैंने बताया था, लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल लेके मैंने तुमको बताया था कि अगर अगर किसी को मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा किसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। बात समझ रहे, एक को अगर डी बोलोगे दूसरे को एल बोलोगे, एक को अगर आर बोलोगे दूसरे को एस बोलोगे, अगर एक को एस बोलोगे दूसरे को आर बोलोगे, तो ऑप्टिकल रोटेशन भी अपोजिट होता है बस, ठीक है। इनन्सियोमर समझ में आ गया था सबको अच्छे से, कोई डाउट? तो आज हम पढ़ेंगे डाई स्टीरियोमर्स। डाई स्टीरियोमर्स क्या होते हैं पहले इनकी डिफिनेशन लिखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। देखो क्या होता है डाई स्टीरियोमर की डिफिनेशन, देखो लिखोगे दोज स्टीरियोमर्स विच आर नॉन मिरर इमेज, विच आर नॉन नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर और नोन एज डाई स्टीरियो मर्स। बात समझ गए बेटा, बोलो क्या समझे, कि डाई स्टीरियोमर्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, मिरर इमेज नहीं होते हैं, ठीक है, मिरर इमेज नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डाई स्टीरियोमर्स कहलाते हैं। इसके अभी जो जो मैंने बताया बेटा, जिससे स्टीरियोमर्स में आपने क्या देखा था, उसमें इनन्सियोमर क्या देखा था कि नॉन सुपरइम्पोज्ड में मिरर इमेज होने चाहिए, इसमें जो होने चाहिए कार्बन, ठीक है, इसमें जो सेम कार्बन होना चाहिए उसका बस ओरिएंटेशन डिफरेंट होना होगा, बस
बट उसकी जो मिरर इमेज होगी वो नॉन सुपरिम्पोज, मतलब मिरर इमेज एक दूसरे की नहीं होनी चाहिए। अगर मिरर इमेज नॉन सुपरिम्पोजिबल हो गए तो क्या होगा बेटा, इनसियोमर हो गए। अगर मिरर इमेज क्या हो गया बेटा, सेम होगा, सेम रोटेशन होगा, तो उनको आइडेंटिकल बोलेंगे। अगर मेरे इमेज इमेज भी नहीं है, आइडेंटिकल भी नहीं है, तो क्या होगा वो बेटा, डाइस्टीरियोमर्स होगा। ठीक है, इसके जो फीचर्स हैं वो पहले लिखते हैं। फीचर्स क्या हैं इसके, फीचर्स अभी एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा। फीचर्स क्या है बेटा, देखो है? पहला पॉइंट, इन ए पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर, इन ए पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स बोथ कंपाउंड्स मे बी ऑप्टिकली एक्टिव कॉमा मे बी ऑप्टिकली इनएक्टिव और वन ऑप्टिकली एक्टिव वन ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझ आई? ठीक है, देखो समझो पहले क्या है। पहला पॉइंट मतलब ये बताया जा रहा है बेटा कि अगर इन ए पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर बोथ कंपाउंड्स में भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, में भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकते हैं, और एक ऑप्टिकली एक्टिव हो और एक क्या हो बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। ये तीन कंडीशंस हैं। बट इनेंसियोमर में क्या था बेटा, इंडिविजुअली जो कंपाउंड होना चाहिए वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, बट इसमें क्या हो सकता है, दोनों एक्टिव हो सकते हैं, इनएक्टिव हो सकते हैं, एक एक्टिव हो सकता है, एक इनएक्टिव हो सकता है। मतलब इसमें कोई भी कंडीशन हो सकती है, इनएक्टिव, एक्टिव, और एक एक्टिव एक इनएक्टिव हो सकता है। बात समझ आई सबको बेटा, कि कोई भी कंडीशन हो सकती है वो क्या कहलाएगा, डाइस्टीरियोमर कहलाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, डाइस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा कौन कौन सी होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया बेटा, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। आप समझ लो बेटा कि अगर डाइस्टीरियोमर हैं तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी क्या होंगी बेटा, डिफरेंट होगी। बट इनेंसियोमर में ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्ट किसको, ऑप्टिकल रोटेशन को। ठीक है, डायस्टीरोमर हैव डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मैं तुमको बता दिया हूँ बेटा क्या इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और डेंसिटी और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इन। ठीक है, तो इनकी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो इसके वजह से थर्ड पॉइंट आ गया कि अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो रही हैं तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। हेंस डाइस्टीरियोमर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, हेंस
हैंस डाई स्टीरियो मर्स कैन बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड जैसे बेटा क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये सब मेथड, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट था। तो ये पॉइंट आपको बहुत तरीके से ध्यान रखना बेटा, इनेंसियोमर और डाइस्टीरियोमर में क्या डिफरेंस है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनेंसियोमर क्या होना चाहिए बेटा, दोनों जो इंडिविजुअल कंपाउंड होने चाहिए वो ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, बट डाइस्टीरियोमर में ऐसा कोई कंडीशन है नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इनेंसियोमर में सेम होती है एक्सेप्ट ऑप्टिकल रोटेशन, बट इसमें क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। तो अब सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम जो है इसको समझाएंगे कैसे, कैसे समझेंगे। अब हम एग्जांपल के द्वारा तुमको समझाने जा रहे हैं बेटा, तो बहुत अच्छे से जो है एग्जांपल समझना है, तभी आपको जो है समझ में आएगा डाइस्टीरियोमर। क्योंकि अगर आपको डाइस्टीरियोमर समझ में आ गया तो समझ लो पूरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप समझ गए हो बेटा, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। क्योंकि इनेंसियोमर आप समझ गए, डाइस्टीरियोमर अगर आपको एक बात समझ में आ गया तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूरी समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। तो एग्जांपल के द्वारा मैं तुमको बताने जा रहा हूं। अब एग्जांपल में क्या होगा बेटा, एक मैं एग्जांपल तुमको लिखवाऊंगा, तो जो एग्जांपल में तुम्हें पॉइंट लिखवाऊं बेटा उनको एक साथ लिखना, ठीक है। जो एग्जांपल में जो मैंने एग्जांपल ले रहा हूं बेटा उनको क्या करना है, एक साथ ही लिखने हैं, अगर जगह ना हो तो एक पेज में पूरा लिखना है आपको, ठीक है बेटा। जैसे यहाँ पे पहला है टैट्रिक एसिड का एग्जाम्पल मैंने लिया है बेटा, जो किसमें पाया जाता है टैट्रिक एसिड, इमली में, पहला ये है, ठीक है बेटा। दूसरा ज्यादा नजदीक हो गया यार, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल, तीसरा तीसरा चौथा चौथा ये है बेटा, चौथा एग्जांपल ये है, और फिफ्थ वाला एग्जांपल ये करने जा रहे हैं। आपको ये सारे एग्जांपल बेटा एक पास लिखने हैं, ठीक है, सारे एग्जांपल एक पास लिखने हैं। यहाँ सी डबल ओ एच है और यहाँ पे मैंने ओ एच लिख दिया। ये वाला थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो आप देख के उसको परेशान मत होना, ठीक है बेटा, कि हाँ यहाँ पे ये मैंने कितने स्ट्रक्चर लिखे हैं बेटा बताओ, एक दो है, तीन यहाँ पे, चार यहाँ, पांच, ठीक है। तो इनको नोट करो, चलो बेटा तुम लोगों ने नोट कर लिए होगे मेरे हिसाब से। देखो अब क्या करना है, आप लोगों को बताना है कि इनमें क्या रिलेशन है, ठीक है बेटा। ये अलग अलग हैं सारे पॉइंट, ये अलग है, ये अलग है,
ये अलग, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देते हुए लिखना है इनको, एक ही बिल्कुल लाइन से लिखना है, ठीक है। अब आपको देखो, आपको आर एस असाइन करना है। आर एस असाइन करने के बाद आपसे मैं पूछूंगा कि रिलेशन क्या है, तो टाइम बताने के लिए मैं तुमको लिख दे रहा हूँ कि आर एस क्या है, ठीक है। ये पहला जो कार्बन है बेटा, इसको ये आर है, ये भी आर है, ठीक है। ये क्या है, ये एस है, ये भी एस है, ये वाला कार्बन, समझ रहे हो ना बेटा, ये कायरल सेंटर है, इसी को असाइन किया जाता है, तो समझ ही रहे होगे। ये आर है और ये क्या है बेटा, एस है, ये एस है और ये आर है, ये आर है, ये भी आर है। आप लोगों को क्या करना है, एक बार क्या करना है, अपने मन से इनको आर एस असाइन करना है, ठीक है। आर एस असाइन करने के बाद आपको फिर देखना है कि जो है इससे मैच अगर कर ले रहा, तो समझो तुम्हारा सही आंसर है, बात समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, आर एस असाइन करना है, देन उसके बाद आपको पूछना है रिलेशन क्या है, ठीक है। ये आर है बेटा, ये आर है, ठीक है। तो अब मैं तुमसे पूछने जा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ फर्स्ट एंड सेकंड किस टाइप का रिलेशन रखते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड क्या होगा बताओ। फर्स्ट एंड सेकंड क्या है बताओ। अब यहां देखो बेटा, फर्स्ट सेम कार्बन है बट रोटेशन अपोजिट हो गया, ये आर है तो दूसरा क्या हो गया, एस। तीसरा वाला कार्बन आर है तो दूसरा भी एस हो गया, यानी अब इसकी इसको उठाओ, इस पे रखो बेटा, नॉन सुपरइम्पोजिबल हो रहा है ये तो, यानी कि ये जो दो हैं क्या है बेटा, इनेंसियोमर हुए और ऑप्टिकली एक्टिव भी हैं, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। ये पीपीआर को किस तरह रोटेट कराएंगे बोलो, ये आर की तरफ क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, बात समझ रहे हो। तो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो गए दोनों, दोनों के दोनों इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हुआ बेटा बताओ, ये हुए इनन्सियोमर, इनन्सियोमर्स, ठीक है। सेकेंड और फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड, और सेकेंड और फिफ्थ, सेकेंड और क्या बेटा, सेकेंड और फिफ्थ, ये कैसे हैं, सेकेंड और फिफ्थ कैसे हैं बताओ। देखो ये सेकेंड है और ये फिफ्थ है, सेकेंड पे क्या है, एस है, एस है, फिफ्थ पे आर है, आर है। ये वाला देखो बेटा सेम कार्बन है, ये भी सेम कार्बन है, ये सेम कार्बन, ये भी सेम कार्बन, मतलब समझ ही रहे होगे ना बेटा कि जो है कार्बन उस सेम ग्रुप रखता है। यहाँ बस अब देखो बेटा रोटेशन इसका चेंज हो गया है बस, तो ये भी क्या होंगे बताओ, ये भी क्या होगा, इनन्सियोमर होंगे, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछने जा रहा हूं फर्स्ट और थर्ड में क्या रिलेशन है, फर्स्ट और थर्ड में क्या रिलेशन है। फर्स्ट देखो ये आर आर है और थर्ड ये आर एस है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड, इसकी मिरर इमेज इस पे सुपरइम्पोजिबल हो रही है क्या, इसकी मिरर इमेज है क्या, ये नॉन सुपरइम्पोजिबल भी मिरर इमेज भी नहीं है, बात समझ रहे हो। इसमें दोनों एच एक तरफ एक सेम साइड है, इसमें दो अपोजिट साइड में हो गए, बात समझ रहे हो। तो फर्स्ट सेकेंड, अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर ये सेंटर है यहां से देखो बेटा, पी ओ एस मिल रही कि नहीं मिल रही, पी ओ एस मिल रही है ना, जब पी ओ एस मिल रही है तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, क्योंकि जहां पे पी ओ एस हो गया वहां पे क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, बात समझ रहे हो। तो ये क्या हुआ है बताओ मुझे, ऑप्टिकली एक्टिव, और ये वाला क्या है, एक्टिव है ना। तो यहाँ पे मैंने जैसा एग्जाम्पल बताया था ना कि इसकी प्रॉपर्टी जब लिखवाया था मैंने डायस्टीरोमर की,
हो सकता है कि जो पेयर बैठा वो क्या हो, एक ऑप्टिकली एक्टिव हो और दूसरा क्या हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। तो ये क्या हो गए, ये जो फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड क्या है बताओ, ये डाइस्टीरियोमर है। बात समझ आए बेटा, डाइस्टीरियोमर्स क्या हो गए, डाइस्टीरियोमर्स समझ में आया क्या हुआ, कैसे हो, कैसे पहचानोगे डाइस्टीरियोमर में क्या होगा बेटा बता दो। डाइस्टीरियोमर ये आर, ये आर, ये आर, ई एस। डाइस्टीरियोमर आपको देखना है कि ये देखो सेम कार्बन तो होना चाहिए, बट जो मिरर इमेज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो मिरर इमेज ना तो मतलब वो सेम नहीं होनी चाहिए, मिरर इमेज होना ही नहीं चाहिए। बात समझ रहे हो, देखो इनका मिरर इमेज अगर देखोगे बेटा इनका कोई मिरर इमेज मिल रहा क्या, नहीं मिल रहा। अब बात करते हैं बेटा थर्ड और फोर्थ की क्या है, थर्ड और फोर्थ में क्या रिलेशन है। ये आर है, ये एस है, ये एस है, ये मतलब ये आर है तो ये एस है, ये एस है तो ये आर है। बट आप देख रहे हो बेटा क्या देख रहे हो कि अगर हम इसको भी देखें तो यहां भी तो पीओएस है कि नहीं, बोलो इस पे क्या है, इस पे आर है तो इस पे एस हुआ, इस पे एस है तो इस पे आर हुआ। अब एक चीज समझ लो कि अगर हम देखो बेटा, अगर हम क्या करें इसको ऐसे रोटेट कर दें, बात समझ रहे हो, 180 पे रोटेट कर दें, तब उसके ऊपर रखो तो बिल्कुल आइडेंटिकल दिखेंगे स्ट्रक्चर, यानी कि जो थर्ड और फोर्थ है वो कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल है, ये डाइस्टीरियो मर्स नहीं है क्योंकि इनकी मिरर इमेज मिल रही ना बेटा, देखो मिरर इमेज आ रही कि नहीं आ रही, तो मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए तभी डाइस्टीरियोमर होगा। मिरर इमेज अगर आ गया तो अब भाई तुम देखो इनेंसियोमर भी नहीं है, डाइस्टीरियोमर भी नहीं है, तो ये क्या होंगे, आइडेंटिकल ही तो होंगे। बात समझ रहे हो, क्योंकि अगर इसको आप रोटेट कर दो बेटा ऐसे, इसको उठाओ ऐसे, ये ऐसे है बेटा इसको उठाओ ऐसे करो, ऐसे कर दिया, अब इसलिए देखो सुपर इम्पोजिबल हो गया ना, तो ये दोनों क्या हुए, आइडेंटिकल हुए कि नहीं हुए। बात समझ रहे हो, तो इस तरीके से आप देख रहे हो बेटा स्टीरियो जो डाइस्टीरियोमर क्या होंगे। समझ में आया कुछ, बोलो। तो ये रिलेशन इस तरीके का आपको देखना है कि इनेंसियोमर डाइस्टीरियोमर क्या हो, और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर तो आप जानते थे पहले से ही, तो आप लोग देख रहे हो बेटा कि आइडेंटिकल स्ट्रक्चर क्या होंगे, बोलो बोलो, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, पीओसी होगी उसमें अगर दो कायरल कार्बन है तो। बात समझ रहे हो, बोलो, चलो नोट करो। थैंक यू बेटा सब लोग को।